बंदा है जिस अपना ही वीर है वाहेगुरु महाराज, जिन्होंने अमृत छका अनंतपुर साहिब में, एक को अगर अमृत छकाओगे ना तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। उसने न जाने कितने नशे करने वालों को वाहेगुरु जोड़ा है। रिस्पेक्ट है वाहेगुरु दिल से, नो डाउट रिस्पेक्ट उसका करता हूं दिल से, लेकिन एक गुना, एक मेरे को सिर्फ दिल से पूछना, दिल पे हाथ रख के बोलना, भले ही वो बड़े वीडियो में उसका कोई मतलब रहेगा, लेकिन क्या ये वीडियो में ये चीज बोलना जरूरी था? यानी जीसस को क्रॉस में टांगा, जीसस अगर भगवान है तो खुद को क्यों नहीं बचा पाया? क्या ये बोलना जरूरी था? भाई मेरे को एक उदाहरण दे रहा है संगत को, एक सिंपल सा उदाहरण। बाणी क्या कहता है? अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, ये वाणी कहता है भाई गुरु। चार द्वार क्यों है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के चरण स्थान, हजूर साहब अब चलकर नांदेड़, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबके लिए खुला है। मत्था टेको, लंगर छको, बाबे नानक जी का 20 रुपए का लंगर, जिसका वाहिगुरु मैं भक्त हो गया, फैन हो गया, कुत्ता बन गया महाराज का। हाँ वो बात अलग है, कलम बोली गुरुद्वारा से शुरू हो गया, आज कलम बोली के यूथ सब छोड़ दिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता वाहिगुरु। और मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? ये मेरे फादर है, थॉमस एंथनी नाम है, इनके गले में देखो एक चीज है, इसको हम रोजरी कहते हैं वाहिगुरु। ये अमृतपाल तेरे लिए वाहिगुरु स्पेशल मैसेज है वाहिगुरु। ये क्रॉस है, देख ये क्रॉस है, ये रोजरी है। मेरे फादर क्यों गले में पहन के घूमते हैं वाहिगुरु? इसमें 50 हेल मेरी है, 3 अवर फादर है। क्यों है वाहिगुरु? इंपॉर्टेंस है। क्यों किसी के वाहिगुरु धर्म के बारे में हम गलत बोले? पाखंड करता है पास्टर दोगले जो ये बोलता है कि वाहिगुरु गुरु का जाना मना है, प्रसाद को छूना नहीं, मां कसम बकरे की जगह पर छटकाओ, लड़ो, शस्त्र खोलो, दार करो, करो जो करना है, जो धर्म परिवर्तन करता है, क्योंकि वही धर्म परिवर्तन के लिए ना वाहिगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया, वही धर्म परिवर्तन का सेवा महाराज ने जो समर्पित किया अपने आप को, हिंद के चादर दुनिया बोलते, मैं तो बोलता हूं वर्ल्ड के मानवता के चादर, फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स वाहिगुरु। संगत अमृतपाल सिंह का वाहिगुरु ये स्टेटमेंट अगर सही रहेगा ना वाहिगुरु, अगर बाणी ये कहता है कि कोई धर्म के वाहिगुरु यानी जीसस के बारे में गलत बोलना, बाणी अगर ये कहता है मैं गद्दार, अगर बाणी ये कहता रहेगा तो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वाहिगुरु 10 गुरु के जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी वाहिगुरु वहां पर ये शीश झुकता है। 2 साल से महाराज का प्रचार करो, कभी गलती से भी कुछ गलत नहीं बोला है। मेरा बाप के लिए जीसस कुछ इंपॉर्टेंट है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू ये लिखा है, इसके बारे में अगर गलत बोलता, अगर मैं बात नहीं करूंगा, संत बाबा जगन्नाथ सिंह जी खालसा पिंडरा वाले क्या बोले, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है, मेरा जमीर मर गया, अगर मैं शांत बैठा होता तो खालसा जी तुम ही सोच लो, बाकी कुछ नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वाहिगुरु। ये जाना है जिम में, जाना है बॉडी बनाना है, ट्रेनर हूं वाहिगुरु, मस्त पावर लिफ्टर हूं, 200-250 किलो वेट मस्त मारना है मैं वाहिगुरु। बेनती है अमृतपाल सिंह, जीसस और पास्टर, पास्टर बहुत अलग है, धर्म परिवर्तन कराते वो अलग है, जीसस को क्या मतलब है इसमें बीच में लाना वीर? क्या है उनका क्या दोष? वो खुद से शहीद हुए या उनको शहीद कराया? तो सुन ले वीर, क्रॉस में थे ना वाहिगुरु, 3रा दिन रिजन हो गए वाहिगुरु, उसको हम ईस्टर बोलते हैं। मैंने वाहिगुरु क्रिसमस नहीं बनाया 2 साल से, पता है क्यों? ये जो वीर मेरा वीडियो निकाल रहा था इसको भी मैंने चिल्लाया, क्योंकि इसका बर्थडे भी आता है, केक नहीं काटना, मेरा झगड़ा तक हुआ इससे, केक नहीं काटना, क्योंकि 20 से 28 तारीख शहीदी दिया है। एक बार काके अपना फेस दिखा, एक बार दिखा, ये वीर का बर्थडे आता है। तेरे को मैंने बोला था ना नहीं काटना केक, मैं शीशगंज साहब गुरुद्वारे में था तो तूने मेरे से झगड़ा भी किया था कि साल में एक ही बार बर्थडे आता है। ये महाराज का बेटा है वाहिगुरु, ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ में किसान आंदोलन में था वाहिगुरु, जब 5 बॉर्डर पे ना खालसा वाहिगुरु निशान साहब चुला रहा था, ये था मेरे साथ गुरुद्वारे में, साथ में रुका, सेवा की है। ये देखो जरा जूम करना भी है, दमनदीप सिंह खालसा, ये है ये बंदा है वाहिगुरु, चलो चढ़ दी कला, ये बंदे ने क्या पोस्ट डाला है,
sometimes becomes Christian, sometimes Sikh and sometimes Hindu. मेरा वीर मुस्लिम लिखना भूल गया रे. मेरा वीर ये जो स्थान है ना, पहले नी पत्थर साहिब मियां मीर जी ने रखा. मेरा वीर इतिहास नहीं बदला जा सकता वीर. भाई मर्दाना जी इतिहास मुस्लिम मुस्लिम लिखना भूल गया मेरा वीर. कोई बात नहीं, ये फोटो जो है इसमें क्या लिखा है, भगवान जाने पंजाबी आती नहीं है वाहेगुरु पढ़ना. इसमें लिखा है कि मैं माफी मांग रहा हूं, मैंने चैलेंज किया अमृतपाल सिंह को और मैं माफी मांग रहा हूं, तो मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इस जन्म में मैं नहीं झुक सकता, सिर्फ एक ही जगह पे झुकेगा, वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी. ये खंडा रहेगा तो सिर्फ एक नहीं झुका है मैं. और तू ये जो स्क्रीनशॉट भेजा है ना खालसा जी, सच का साथ वाहेगुरु पैर पड़ता हूं. देखो ये जो खालसा जी ये जो फोटो है ना, तुम लोगों को मैं इसका रियलिटी दिखाऊं. और ये वीडियो में मेरे साथ जो वीर था उसका नाम है हरमिंदर सिंह अमृतसर का, वो भी मैं दिखाता हूं वाहेगुरु. ऐसे ना करो. एक मिल गया, सवा लाख मिल गया. एक आया मेरे को मिलने, सवा लाख आया मिलने. बाहर जाओ तो दूसरे धर्म के लोग है वाहेगुरु, दूसरे भी महाराज ने मेरे को सबको इक्वली, सब मेरे वीर. क्या करूंगी मैं मुंबई में रहता हूं. अब मैं तुम लोग को बताता हूं. गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति पप्पा मोरिया. गणपति बैठता है 10 दिन गणपति बैठता है. मोहब्बत दिल से करता हूं. ईद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम. ईद बकरीद सब कुछ बनाते वाहेगुरु. अपने बारे में सोचा नहीं, इतना जल्दी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलने के बाद माँ बहन पे गाली दे रहे हो मेरे. महाराज के लिए किया जो किया, किसी सरदार का दिल जीतने के लिए नहीं किया. महाराज के शहादत देख के किया, किसी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए नहीं किया. भीख मांगता हूं वाहेगुरु अनफॉलो करो, जाओ ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो वाहेगुरु. भीख मांगता हूं, चाहिए इसलिए सुकून चाहिए. गाली सुन सुन के कान दुखने लग गया है तो मिलो, उसी मुंह से बाणी भी पढ़ना है. मेरी मां नहीं है इस दुनिया में, मां को गाली देती, उसी मुंह से बाणी भी पढ़ना है. मुंह और किधर नहीं, एक ही जगह पे वाहेगुरु. सोचो क्या है, किधर मुझे छुपा है. और मेरे को लगता है कुछ तो सिंह रहेंगे वाहेगुरु जो इस चीज को सही मानते रहेंगे, कुछ तो 1% 1% 2% वालों का पंथ का वाहेगुरु महाराज ने सेवा चढ़ती कला से लिया. 1% तो वाहेगुरु मानेगा कि वाहेगुरु वहां सही में ये जीसस के बारे में नहीं बोलना चाहिए था. कितने क्रिश्चियन रहेंगे वाहेगुरु वर्ल्ड में, क्यों कर लेगा. सब एक है ना, सब एक है. सबसे बड़ा मैजिक मैं बताऊं, आज भी मुझे वो दिन याद है जब गुरुद्वारे से जब गया था चर्च में राशन लेके हम लोग, तो जितने मदर लोग थे ना वो लोग क्या बोलते, क्या सरदार दी बेस्ट, इन लोगों को इधर से सलूट है. गले में क्रॉस था उनका, जीसस था, मदर मेरी था. लेकिन आज 5 मिनट में तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म कर दूं, कार बाल वगैरह सब कुछ काट के वापस जिम चले जाऊं. 5 मिनट के लिए भटक गया था वाहेगुरु. लेकिन जब भी मैं भटकू ना तो मेरे को वाहेगुरु ये सब अचीवमेंट्स याद आते हैं. ये पटना साहिब का अचीवमेंट, बिहार, ये बंदा सिंह बहादुर, ये देखो वाहेगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वाहेगुरु चरण स्थान. ये परिवार से बढ़कर इस वर्ल्ड में और कोई शहादत वाला परिवार है ही नहीं. ज़ूम करना भी, सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं वाहेगुरु, झुकेंगे नहीं. महाराज कलगीधर पिता 125 साल अवार्ड ये जो मिला अकाल तख्त साहब सूरत सिंह नलवा जी का वाहेगुरु वो सेवा, ये संप्रदाय से मिलने वाला वाहेगुरु एक ऐसा बेटा संत बाबा अवतार सिंह जी के हाथों मिला वाहेगुरु ये अमृतसर साहिब में. इधर देखो सिख टीम सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, बोल्ड वॉइस ऑफ सिखिज्म. इधर अगर ये रहेगा तो इधर जीसस भी एक लॉक में भी, क्या करो क्रिश्चियन. इधर देखो एक मुस्लिम का भी वाहेगुरु अवार्ड मिलता है, कोरोना वॉरियर. क्या करो, मानस की जात सब एक है, पहचान लो. कलगीधर पिता मेरे महाराज, ये सबसे स्पेशल फोटो संभाल के लाया मैंने किसी के पास. एक माँ के पास पड़ा था तो मैंने उस माँ को बोला ये माँ ले लू क्या. मेरे को बहुत माँ मिले, बहुत बहन मिले, बहुत बाप मिले, सब है मेरे लिए.
इक्वल, किसी को डिफरेंशिएट किया नहीं, ना कभी करो। ये देखो ये कहां से आया, ये कहां से मिला है, जहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर पिता ने पहली बार सांस लिया, ये मेरे को तब मिला है। और ये सबको वाहेगुरु मैं रखूंगा संभाल के, भले मैं गुरुद्वारा ना जाऊं, भले मैं सेवा आज के बाद ना करूं गुरुद्वारे में जाके, लेकिन ये मेरे लिए अचीवमेंट रहेगा मरते दम तक। मैं लेके जा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना है शीश उठाकर महाराज के चरण में वाहेगुरु जो आपने कराया चढ़ती करा कराया वाहेगुरु, क्योंकि सब कुछ ये महाराज ही कराते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।